नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका तो स्वागत है। आज हमारे साथ में है तेलंगाना हैदराबाद से मोहम्मद महबूब जी। दोनों कानों से सुनाई में गिरावट के चलते आप हमारे पास पहुंचे हैं और अब हम देखना चाहते हैं कान में क्या चल रहा है। प्लीज शो द मॉनिटर। दूसरा कान देखे जाएंगे, इस तरफ ट्रेंड कर बहुत। अब हम नाक को देखना चाहेंगे प्लीज आराम से। टीम द्वारा आपके कान से संबंधित तकलीफ के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा आपके इन तकलीफों के निवारण की दूरबीन से अग्रिम दिशा में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में मोहम्मद महबूब जी तेलंगाना हैदराबाद से। आप मदरसे में उर्दू के शिक्षक हैं और अध्यापक हैं, और सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद महबूब है, मैं तेलंगाना से हूँ। और फिर मैं सर के वीडियोस देख के विदाउट चीरा कट के सर्जरी के वजह से मैं जयपुर आया, और फिर इस सर्जरी में मेरे को टेनेटस और हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है जी। तो मैं दुआ करता हूँ कि सर्जरी के बाद मेरे को कम हो जाएगा पूरा। जी जी। एंडोस्कोपी के लिए ये प्रोसीजर होगा दूरबीन से, और आपकी इन तकलीफों में पूर्ण आपको लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान पश्चात हम फिर से वार्तालाप करेंगे, और ये ऑपरेशन सुनने की अवस्था में अंडर लोकल एनेस्थीशिया होगा, कोई दर्द तकलीफ नहीं होगी। ओके, थैंक्स। महबूब जी, आपके मिडल ईयर की जो इनकस बोन है वो नेक्रोज खराब थी, उसे निकाल दिया गया है और उसे रिप्लेस किया जाएगा पार्शियल ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस से, और इसे प्लेस करने के बाद आपका हियरिंग असेसमेंट हम करेंगे। ओके, यहाँ हम देख पा रहे हैं पीओआरपी प्लेसमेंट इन द मिडल ईयर। महबूब जी जी, आपके राइट ईयर की सर्जरी हो गई है जी। जो अस्थियों में जकड़न या ऑटोस्क्लेरोसिस था उसे निकाल दिया गया, डिजीज ऑसिकल को निकाल करके इम्प्लांट रखा गया है जी। और अब हम आपके सुनाई का स्तर जांचना चाहते हैं जी। पहले की अपेक्षा आप कैसा सुनाई दे रहा है? अभी तो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा। अच्छा सुनाई दे रहा है? हाँ। जैसे पहले आपका इस कान से सुनाई लगभग 25-30% था। हाँ। और अब इसे कोई स्कोर देना चाहे तो कितना देना चाहेंगे? अब इसमें टेनेटस भी आ रहा अभी। हाँ, वो तो ठीक है, वो धीरे धीरे रिजोल्व होगा, पर अभी सुनाई का लेवल कितना बढ़ा? अभी तो 50-60 के आसपास हो गया। हाँ। पहले से वृद्धि हो गई। हाँ। ठीक है, एक बार मुझे इनका फेस दिखा दीजिए। हाँ, आके खोल लीजिए। ठीक है, आईज ओपन कर लीजिए जी। ठीक महसूस कर रहे हैं आप? हाँ। सुनाई संतोषप्रद हो गई? इस कान का सेटिस्फैक्ट्री हो गया जी? सेटिस्फैक्ट्री है हियरिंग अब आपका जी? जी, गुड गुड। आप दूसरे कान की सर्जरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी। ओके महबूब जी, आपके इस कान में भी इनकस और स्टेपीज के जंक्शन पे स्क्लेरोसिस है, और कान से निकाली गई डिजीज ऑसिकल्स को हम देख पा रहे हैं, और इसे रिप्लेस किया जाएगा पीओआरपी से पार्शियल ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस द्वारा। और अब हम दोनों ईयर्स की निकाली गई ऑसिकल्स को एक साथ देख पा रहे हैं। ठीक है,
महबूब जी के दोनों कान ऑपरेट हो गए हैं और ये दोनों कान संपूर्ण विधि आंतरिक पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है। सबसे पहले हम कान का पिछला हिस्सा देखना चाहेंगे। कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है, यहाँ किसी प्रकार का इंसिजन स्टिच नहीं है क्योंकि पूर्ण आंतरिक विधि से हुआ है, ठीक है। और अब एक बार महबूब जी से मिलवा दीजिए, हम आपका सुनाई का संतुष्टि स्तर जानना चाहते हैं। हाँ महबूब जी जी, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई ऑपरेशन हुआ है आपका? नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं, ऑपरेशन नहीं, बोल के कान साफ हुए जैसा दिख रहा। ऐसा लगा? ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ऑपरेशन से पहले आपका सुनाई का स्तर कितना था? कोई 0 से 100 के बीच में कोई स्कोर देना चाहें बिफोर ऑपरेशन, वो कितना था? वो 40% था। और अब कितना हो गया है? 80। 80 हो गया पक्का? हाँ। आप किसी दबाव में आके तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, नहीं, दबाव नहीं। आप अपने मन से कह रहे हैं? जी। ऐसा लग रहा है आपको अच्छा हो गया सुनाई? जी। ठीक है, आपकी ये विश्वास की वजह से ये हो पाया। आप हैदराबाद से ट्रेवल करते हो यहाँ तक पहुँचे और आपने अपने कान की तकलीफ का यहाँ उपचार करवाया, ऑपरेशन करवाया, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, हम आपसे फिर मिलेंगे, गुड लक। हैदराबाद के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। तेलुगु में वही, अगर कुछ प्रॉब्लम है ईयर का जी तो बगैर ऑपरेशन में चेहरा कट लगाए के यहाँ के इलाज कराए तो बेहतर रहता जी। इसी बात को अगर तेलुगु में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? ये मैं ENT प्रॉब्लम आई को అది ఇక్కడ వచ్చి చేసుకుంటే పెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ ఉంటుంది లో బడ్జెట్లో। థ్యాంక్ యూ। ఓకే థ్యాంక్ యూ, ఆపనే హమారీ టీమ్ మే విశ్వాస్ రఖా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, జై హింద్।